नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी मुश्किल के बाद, बहुत आगे पीछे होने के बाद आज आखिरकार एग्जाम का फाइनल डेट आ गया है। फाइनल डेट एग्जाम के आने के साथ साथ और भी बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई है, तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं यूट्यूब कृष्णाकांत सिंह हमारा चैनल है। यदि हमारी डेली लाइफ के बारे में जानते हैं और वहाँ पे भी कुछ नोटिफिकेशन जैसे पेपर कटिंग, यूनिवर्सिटीज रिलेटेड, तो वो कृष्णाकांत9076 जो है इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पर आप आके फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको नोटिफिकेशन जानकारी डायरेक्ट इंस्टेंट मिलती है। सबसे पहले आज के वीडियो में एडमिशन डेट के बारे में जानेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका डेट आया है। टोटल सीट के बारे में जानेंगे, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, ये सब के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप यदि पटना विश्वविद्यालय के 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारी कोर्स के साथ जोड़ सकते हैं। आपको हम 60-70 रिकॉर्डेड वीडियो अभी के अभी डाल देंगे, प्लस रिवीजन। साथ ही हमारी लाइव रिवीजन चलती है, लाइव क्लास की रिवीजन चलती है, जिसका वीडियो, बहुत सारे क्लास का वीडियो मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। कृष्णा कांत सिंह जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे मैं अपलोड कर दिया हूँ। लाइव क्लास की बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होती है जो मैं डाल दिया हूँ बेहद शानदार तरीके से। ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स में अलग पढ़ाता हूँ और उस पे अलग डाला हूँ। जो पेड कोर्स में आपको क्लास देता हूँ उसी का लाइव रिकॉर्डिंग, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कुछ कुछ होते हैं उनको मैं यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। फिर चैप्टर वाइज वीडियोज आपको मिल जाएगी, 500 प्लस पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगी। फिर रिटर्न टेस्ट कर एक ऑर्गेनाइज करवाएंगे, टॉपर्स से टॉक करवाते हैं। ठीक है, फिर इन सभी का फी है मात्र 450 रुपया, लिमिटेड टाइम के लिए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7370840504 या 9110926141 पर। फोन पे और गूगल पे का नंबर 7370840504 है। इसके साथ आप हमें कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, ओनली फॉर कोर्स से रिलेटेड, तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, अन्यथा आपको कॉल नहीं करना है। ठीक है, यदि हम आप क्लासेस के बारे में बात करें कि आपको कौन कौन सी क्लासेस मिलेंगी, तो क्लासेस की बात करें तो बीएससी का देखिए कम से कम 22 वीडियो जो है फिजिक्स का है और 14 वीडियो जो है केमिस्ट्री का है। सिर्फ बीएससी की बात करें तो मैथ और बायो का भी सारा सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए ऐसे करके क्लास आपको सीरियल वाइज आपको मिलेंगी, ऐसे करके पर क्लास सीरियल वाइज देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा वीडियोज अपलोड है। फिर इधर बीएससी का केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं सारा वीडियो जो 40 मिनट का 1 घंटा तक अपलोड है। तो आप यदि बीए की बात करें तो वैसे ही 25 क्लास आपको बीए की मिल जाएगी, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे सारी क्लासेस को अपलोड कर दी गई है, 1 घंटे 52 मिनट का 40 मिनट। इस वीडियो को आप पब्लिक पे भी देख सकते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं, तो इस वीडियो को पब्लिक पर देख सकते हैं। बहुत से बाकी इन सभी वीडियो के लिए आपको पेमेंट करना होगा। इन सभी वीडियोज के लिए आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस बार वो आपका है सेक्शन ए। सेक्शन ए रिजल्ट आपको डुबाता है, सेक्शन ए ही डुबाएगा। मुझे मालूम हद तक किसी लड़के का सेक्शन ए बर्बाद होगा। उसमें हम रीजनिंग का 16 वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं 29 मिनट का, 56 मिनट का, 1 घंटा 2 मिनट का, 47 मिनट का, 53 मिनट का, नॉन वर्बल रीजनिंग देखिए यहाँ पर है। तो सारा का सारा रीजनिंग का भी सारे हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और नॉर्मल मैथ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिगर के साथ हम आपको यहाँ पर सारा का सारा अपलोड कर चुके हैं। इन सभी के लिए 450 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। बताते हैं सेक्शन ए में 40 मार्क्स का सवाल आएगा, जीके, रीजनिंग और बेसिक मैथ के, और सेक्शन बी में स्टडी इन क्लास 12 में जो आप स्टडी, वो आपका आएगा 60 मार्क्स के सवाल, वो आपके आएंगे 60 मार्क्स के सवाल। अब आते हैं नॉर्मल न्यूज पर, यहाँ से हमारी न्यूज सही में स्टार्ट हुई है। तो एग्जाम डेट को लेकर तो देख लीजिए, सबसे बड़ी पहले नोटिफिकेशंस आई क्या है कि पटना विश्वविद्यालय स्नातक में नामांकन के लिए 12 और 13 को होगा टेस्ट। 12 को क्या होगा, वो आपका रेगुलर वालों का होगा, और 13 को क्या होगा, वो आपका वोकेशनल वालों का होगा। तो 12 और 13 को होगा। इसके साथ ही आगे क्या दिया गया है जो जरा सा पढ़ लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि समाप्त हो गई। अब कोई लड़का यदि जिनका छूट गया है तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। नामांकन के लिए 12 और 13 जुलाई को एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन होगा। इसके लिए पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज के साथ साथ पाटलिपुत्रा के 4 कॉलेज में भी सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, आगे हम बताते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में आपका सेंटर गया है।
9 जुलाई को निर्धारित परीक्षा अब 12 जुलाई को होगी, इसमें स्नातक नियमित कोर्स और 13 जुलाई को वोकेशनल कोर्स के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम डेट है। अब बात करते हैं कि एग्जाम का सर सेंटर कहाँ जाएगा, तो पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज फर्स्ट जो होगा आपका पटना साइंस कॉलेज होगा, दूसरा पटना कॉलेज, फिर बीएन कॉलेज जो मेरा कॉलेज है, फिर मगध महिला कॉलेज, फिर वाणिज्य महाविद्यालय है, पटना लॉ कॉलेज है, पटना वुमेन्स कॉलेज भी जाएगा लड़कियों का, और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के एएन कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, जेडी वुमेन्स कॉलेज और अरविंद महिला कॉलेज में परीक्षा ली जाएगी। एक बार आप दिमाग में रख लीजिएगा कौन कौन कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, पटना लॉ कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, एएन कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, जेडी वुमेन्स कॉलेज और अरविंद महिला कॉलेज में जुलाई के प्रथम सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड के बारे में आप बोल रहे हैं तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एडमिट कार्ड आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। तो ये आपका है। फिर टोटल सीटें की बात करें कि टोटल सीट कितनी है, तो टोटल सीटें की बात करें तो हम बताते हैं आपको, टोटल सीट है पटना साइंस कॉलेज में 750 सीटें हैं, बीएन कॉलेज में 1130 है, मगध महिला में 1156, वाणिज्य में 930 सीटें हैं। इस बार सीटें की थोड़ी सी बढ़ोतरी भी हुई है। पटना कॉलेज की बात करें तो 780 सीटें जो आपकी है वो बीए के लिए है, बाकी बीबीए के लिए 60 सीटें हैं, बीसीए के लिए 60 सीटें हैं और बीएमसी के लिए 60 सीटें हैं। वाणिज्य महाविद्यालय की बात करें तो बीकॉम के लिए 400 सीटें हैं, बीकॉम वोकेशनल के लिए जो है आपकी 125 सीटें हैं। बीएन कॉलेज की हम लोग बात करें तो बीए के लिए 600 सीटें हैं, बीसीए विज्ञान के लिए, बीएससी विज्ञान 130, बीएससी मैथ के लिए 220 सीटें हैं, बीसीए के लिए 60, बीबीए के लिए 60 सीटें हैं, बायोटेक के लिए 30 है, बीएन फंक्शनल इंग्लिश के लिए भी 30 सीटें हैं। बीकॉम वोकेशनल मगध महिला कॉलेज में होता है, सिर्फ वोकेशनल होता है, उसमें 250 सीटें हैं, बीए के लिए 450 सीटें हैं, बीएससी मैथ के लिए 128, बीएससी साइंस के लिए 128, ठीक है, बीसीए के लिए 80 सीटें इसमें दी गई है, बीबीए के लिए 60 सीटें और बीएसडब्ल्यू के लिए, बीएसडब्ल्यू ये मगध महिला कॉलेज में एक नया आया है तो इसके लिए भी 60 सीटें दी गई है। पटना साइंस कॉलेज में बीएससी मैथ 405 सीटें हैं, बीएससी साइंस 255 है, बीसीए 30, बायोटेक्नोलॉजी 30, पर्यावरण विज्ञान 30 और कला एवं शिल्प विज्ञान के लिए 60 सीटें हैं। ये आपकी टोटल सीटें की ब्यौरा है, आपको जो है वहां पे आप देख सकते हैं जिसमें ज्यादा सीट है। इसके साथ बात करते हैं टोटल अप्लाई के बारे में, बात करते हैं 16,000 टोटल अप्लाई है, कट ऑफ 60 प्लस आपको लाना होगा, एग्जाम डेट 12 और 13 जुलाई को निश्चित किया गया है। तो यही आज का वाकई आपके लिए, थैंक यू। बाकी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आपको कोर्स ये वीडियोज चाहिए, आपको सही प्रॉपर वे में ये वीडियोज चाहिए तो आपको हम वीडियोज दे देंगे। 450 रुपये का क्या है पेमेंट है, यदि आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं या बात करते हैं तो हम आपको दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।